हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं लास्ट डे रूल सर्वाइवल। एंड फाइनली गाइस, ये अपना ग्लोबल रैंक सर्वर का होने वाला है डे नंबर 4। तो जैसे कि आप सभी ने हमारे पिछले एपिसोड में देखा होगा कि हम लोग दूसरे आइलैंड में आए थे एक्सप्लोर करने के लिए, एंड यहाँ पे अपने को पता चला भाई उस आइलैंड में इतने बंदे नहीं होते जितने इस आइलैंड में होते हैं। तो नेक्स्ट सर्वर हम लोग जब भी स्टार्ट करेंगे, हम लोग इसी आइलैंड में अपना बेस वगैरह बनाने वाले हैं। तो लिटरली गाइस, इस आइलैंड में खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। वैसे वो आइलैंड लूट वगैरह करने के लिए ठीक है, बट मज़ा करना है तो आपको इस आइलैंड में खेलना पड़ेगा। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे एक बंदा जो है ना इस बेस को रेड कर रहा था, जो कि पिछले वीडियो में था। हम लोगों ने उस बंदे को मारा, बाद में हम लोगों ने डिसाइड करा क्यों ना यार हम लोग इसी बेस को रेड कर लेते हैं। सो हम लोगों ने यहाँ पे इसका वॉल तोड़ा, बंदे ने रिपेयर कर दिया था, फिर हम लोगों ने तोड़ा क्योंकि वो उस टाइम रिपेयर नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका टाइमर आया हुआ था। सो हम लोगों ने तोड़ा एंड उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे का डोर भी तोड़ा, बट डोर में मेंटेनेंस नहीं था। लगता है यार ये बंदे ने अभी बेस बनाया, तो हम लोग उसके बेस से बाहर निकले एंड अपने को फुट स्ट्रिप्स आने लगे थे। ये वही बंदा है जो कि इस बेस को रेड कर रहा था। भाई बंदा जो है ना अभी SMG वगैरह लेके आया है और मेरा हेल्थ जो है ना एकदम लिट है। अगर मेरे में एक बुलेट और लगी मैं गया। तो यार मैं जैसे तैसे करके कवर में आया, मैंने अपनी शॉटगन फटाक से रीलोड करी, बट बंदे ने जो है ना यार एक फटका मारा एंड अपने टीममेट को भी फटका मार दिया। तो हम लोगों ने डिसाइड करा है, चलो हम लोग यार फटाफट से अपना पेसमेकर यूज करते हैं एंड बस यार अपना एक टीममेट है उसने उसको भी बजा दिया। भाई गलत सीन हो गया यहाँ पे, बट कोई नहीं यार अपने टीममेट ने पेसमेकर यूज किया, मैंने भी करा बट अपने टीममेट ने यार उसको बजा दिया। उसके बाद हम लोग दोबारा से यहाँ पे पहुंचे, बंदा अपना बेस रिपेयर कर रहा था, उसको भी शॉटगन से मारा एंड बाद में हमने कहा यार इस बेस से तो अपने को कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे करते हैं यहाँ पे से हम लोग निकलते हैं। बट आपको याद होगा यार कि हम लोगों के बेस के पास में 3-4 रशियंस जो है ना हमसे ईजी चुरा के भागे थे एंड मैंने बोला था कि उनकी हम लोगों ने उस रात को इतनी कुटाई करी थी ना, तो उनको भी याद होगा। एंड आज जो है ना गाइस हम लोग उनके एक नहीं दो दो बेस रेड मारने वाले, तो मज़ा काफ़ी ज़्यादा आएगा। उसके बाद यहाँ पे एक बेस देखा था हम लोगों ने जो कि डिके हो रहा था एंड हम लोगों को पता चला यार यहाँ पे बेस डिके हो चुका है, तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे। बट यार यहाँ पे दो बंदों ने ऑलरेडी यार उस बेस का लूट वगैरह उठा लिया है। तो मैं यहाँ पे फाउंडेशन लगाने का ट्राई कर रहा था, इसके क्लोज में उसका और फाउंडेशन नहीं लगा सकता, बट यहाँ पे मेरे टीममेट ने फाउंडेशन लगाया। तो हम लोग यहाँ पे कैंप करके बैठते हैं, बंदों के पास SMG है और अपने पास शॉटगन है क्योंकि अपना बेस यार दूसरे आइलैंड में है एंड हम लोग जस्ट सेल्फ मार के आए थे। और यहाँ पे हम लोगों ने सेल्फ मार के अपने सेफ में बॉम्ब रख के हम थोड़े बहुत बेस वगैरह रेड मारे थे, बट यहाँ पे ये बंदे पुश मारने लगे, अपना टीममेट गया, ले भाई निकल। तो यहाँ पे मैंने एक बंदे को नॉक किया एंड अपना टीममेट भी यहाँ पे नॉक हुआ है, तो अपना टीममेट पेसमेकर यूज कर लेगा। तो यहाँ पे गाइस 130 का डैमेज आया एंड बंदे की हेल्थ ना लिटरली यार 5 HP बचा हुआ है। तो बंद मेरे टीममेट ने पेसमेकर यूज कर लिया था एंड उसने भी पेसमेकर यूज कर लिया, बट मैं सेल्फ मारा, मैंने कहा इन बंदों को तो मैं मार के जाऊंगा। तो मेरे टीममेट ने वहां पे एक बंदे को पूरा फिनिश किया, बट दूसरे बंदे ने जो है ना मेरे टीममेट को फिनिश कर लिया था। तो मेरे पास जितना भी सामान था वो मैंने यहाँ पे अपने बॉक्सेस में रखा, जो सामान फर्नेस का था फर्नेस में डाला। उसके बाद मैं यहाँ पे से सेल्फ मार के सीधा पहुंचा दूसरे आइलैंड क्योंकि वहां पे मेरा बैग लगा हुआ था एंड वो बंदा मेरे को दिख गया था, वो अपने बेस की तरफ भाग रहा था एंड देखो यार मैं उसके पीछे पीछे और वो मेरे आगे आगे, बट अपना टीममेट जो था ना वो आगे से आ रहा था। तो यहाँ पे उसको हम लोगों ने पकड़ दिया और यहाँ पे हम लोगों ने उसको मारा एंड उससे यार अपने को इतनी ज़्यादा शॉटगन की बुलेट्स मिली कि मैं क्या ही बताऊँ। तो हम लोगों ने शॉटगन्स का बुलेट्स वगैरह उठाया एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे से थोड़ा सा यार आगे ऐसे ही घूमने निकले हुए थे एंड अपने को एक बेस दिखा, तो हम लोगों ने डिसाइड करा चलो यार उसको मारते हैं। बट इस बंदे से ना मेरे को कम से कम 10 ऑयल ड्रम्स के करीब मिले, भाई मज़ा आ गया, फ्री में 10 ऑयल ड्रम्स मिल चुके हैं। तो यार चलो अभी हम लोग चलते हैं। तो जब तक हम लोग यहाँ पे से आगे जा रहे हैं, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे इस वीडियो में नया अंजस ने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज गाइस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और आज की वीडियो में हम लाइक का एम रखते हैं 400। आई होप गाइस आप लोग 400 लाइक्स तो कंप्लीट करा ही दोगे। सो यार जितना सामान का आदान प्रदान था हम लोगों ने कर लिया है एंड अभी हम लोग चलते हैं सीधा आगे की तरफ। एंड यहाँ पे यार मेरे को एक बेस दिखा जो कि पूरे का पूरा स्टोन्स का था एंड मेरे पास यार 10 वेल्डम थे जो कि उस बंदे से मिले हुए थे। तो हम लोगों ने डिसाइड करा चलो यार इस बेस को जो है ना हम ऊपर से रेड मारते हैं,
तो मैंने डिसाइड करा कि मैं यहाँ पे जो है ना घोड़े के लिए एक रैंप बनाता हूँ, फिर हम लोग घोड़े से जंप मार के इसके बेस के ऊपर जाएंगे एंड उसके बाद वहाँ पे लैडर लगा हुआ है, लैडर से चढ़ के हम लोग दुमंजिले में जाएंगे एंड दुमंजिले में जाने के बाद फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसको रीड करना कहाँ से है। तो चलो यार अभी घोड़े में बैठ चुका हूँ एंड लगाते हैं जंप एंड पहुँचते हैं सीधा उस बंदे के छत में। तो ठीक है मैं लगा लिया हूँ जंप, आई होप पहुँच जाऊँगा। भाई पहुँच गया था बट थोड़ा सा बच गया, बट कोई टेंशन नहीं, लैडर लगा हुआ है। आई थिंक कोई बंदा यहाँ पे पहले भी चेक करने आया है एंड वो बंदा डेफिनेटली यहाँ पे आएगा ज़रूर। तो मैंने कहा उसके आने से पहले हम लोग जो है ना इस बेस को यहाँ पे पूरे का पूरा रेड मार लेते हैं। तो मैंने यार फटाक से लगाया यहाँ पे चारों एल्बम, क्योंकि यार पहले हम लोग एकदम चार सीलिंग्स के बीच में लगाते थे एंड अभी यार पता नहीं क्या ग्लिच है, चार सीलिंग के बीच में लगता ही नहीं है। तो मैं एक एक करके ना हर एक सीलिंग में लगाते रहता हूँ, डैमेज तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मैंने अभी 8 एल्बम लगा लिए हैं, 2 एल्बम और लगेंगे, तो देखते हैं गाइज प्रॉफिट होता है या नहीं होता अपना। तो भाई मैंने यहाँ पर फटाफट से लगाया एल्बम एंड यार भाई बॉक्सेस तो काफ़ी ज़्यादा, कैबिनेट यहाँ पे सबसे पहले मैं ऐसे करता हूँ ना, कैबिनेट वाला एरिया चेकआउट करता हूँ। सो मैंने यहाँ पे देखा भाई बंदे ने तो लॉक ही नहीं लगाया, ओ भाई मतलब यार अपना तो काफ़ी गजब का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। ओ भाई पूरे का पूरा माल उठा ले, जितना उठा सकता है उठा भाई। यहाँ पे मैं आपको पूरे का पूरा माल दिखाता हूँ भाई, एक पर्पल कार्ड मिल गया और क्या चाहिए इधर वाले आइलैंड में आके। तो इधर भी यार काफ़ी गजब का लूट है एंड अभी हम लोगों ने दूसरा साइड चेकआउट नहीं किया है एंड उधर भी जाएंगे, उधर भी देखेंगे उधर अपने को क्या मिलता है। वैसे यार ये सर्वर मैं पूरा नहीं खेलूँगा, अभी जस्ट मैं ये सर्वर जो है ना चेक कर रहा हूँ, मतलब अपने को कहाँ क्या क्या मिलता है एंड साथ के साथ आप लोगों के साथ भी शेयर करते रहूँगा। और काफ़ी भाई लोग बोल रहे थे कि भाई लेवल 2 का मास्क नहीं मिलता है, तो जी हाँ गाइस बताऊंगा मैं अभी आपको कल की वीडियो में जो है ना। सबसे पहले तो मैं आपको लेवल 2 का मास्क के बारे में बताऊंगा कि अपने को कहाँ कहाँ मिलता है। ओ भाई मैं बोला था ना कि किसी न किसी बंदे ने यहाँ पे बेस देखा है और वो देखो मेरे को नॉक कर दिया। मैं फटाफट से यार कवर में गया, या शॉटगन ट्रैप था मैं, मेरे को लगती ना मैं गया था। तो अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, मैं फटाफट से यार पेस मेकर यूज़ करता हूँ अपना। ओके ठीक है हो गया। तो चलो गाइज अभी हम लोगों ने पेस मेकर यूज़ किया, अभी सबसे पहले तो मैं ये फर्नेस लूटता हूँ। वो भाई फर्नेस में माल है बट यहाँ पे जो है ना शॉटगन ट्रैप मार रहा है एंड अपना टीममेट गया उससे भिड़ने के लिए एंड वो M762 वाला बंदा बट अपने टीममेट को भर दिया उसने। भाई अपना टीममेट करेगा क्या है? उसके पास ओनली उजी है, बंदे के पास M762 है तो फाइट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो चलो गाइज यहाँ पे मैंने लूटा, उसके बाद मैं सेल्फ करके आया एंड तब तक यार उस बंदे ने जो है ना अपने दोनों टीममेट को भजा दिया था। तो हम लोग गए एंड यहाँ पे जो है ना अपने टीममेट ने एक बंदे को भरा एंड ये बंदा जो है ना दोबारा आया था यहाँ पे, बट आई थिंक उसका आईफोन क्रैश हो गया था तो वहाँ पे लेटा हुआ था। भाई फिर क्या था, मैंने भी उसको भजा दिया बाद में। तो अभी हम लोग चलते हैं, मेरा बैकपैक खाली तो हो चुका है क्योंकि जितना भी मेरे पास सामान था एक्स्ट्रा वो मैं अपने बेस में रख के आ चुका हूँ। तो मेरे को अभी जाना है, जितना सामान उठा सकता हूँ सारा का सारा उठाऊंगा, उसके बाद जो है ना डायरेक्ट सेल्फ मार के निकल जाऊंगा अपने बेस। तो भाई चेक कर लो, तो भाई यहाँ पे से मैंने सारे का सारा लूट उठाया, उसके बाद मैं जा रहा था बाहर के साइड, यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिखा एंड ये देखो वही बंदा है जो कि सामान लूट रहा था यहाँ पे का। चल बेटे निकल आराम से, भाई पहली फुर्सत में हम लोगों ने इसको निकाल दिया यहाँ पे से। तो लगभग हम लोगों ने सारा का सारा सामान जो है ना यहाँ पे कसिफ्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं अगले दिन आया अपने बेस में और अब हम लोग का प्लान था आज ना हम लोग हिरन बनाने वाले हैं, ये वाला ठीक है। तो ये वाला हिरन बनाने के लिए मेरे को 2 घोड़े चाहिए माउंट वाले एंड 2 मेरे को हिरन चाहिए हार्ट वार्मिंग सिग्नेचर स्किल वाले। सो उसके लिए मेरे को अभी यार जानवर पकड़ने पड़ेंगे एंड आपको पता है अभी जो है ना माउंट वाले घोड़े मिलना इतना ज़्यादा रेयर हो चुके हैं इस मैप में, मिलते ही नहीं हैं। तो वो चीज़ ढूंढने में डेफिनेटली गाइज अपने को कम से कम 1-1.5 घंटा लगने वाला है। बट उससे पहले अपने टीममेट एंड अपना एक सब्सक्राइबर अपने साथ जुड़ा है यहाँ पे, तो वो बोलने लगा कि भाई यहाँ पे जो है ना रॉकेट बेस में मुझे आपको एक चीज़ दिखाना है, उसको तोड़ के हमें लूट वगैरह मिलेगा। क्या था यहाँ पे? ओके मैं समझ गया, ये रहा यहाँ पे एक स्टोरेज बॉक्सेस है और यहाँ पे वॉल लगी हुई है, इसको अपने को तोड़ना है। तो मैं अपने साथ कॉम्बैट शॉटगन लेके आया था, तो मैंने अपने टीममेट से जो है ना यहाँ पे शॉटगन की बुलेट मारी, फिर जो है ना अपने उसको तोड़ना स्टार्ट कर दिया।
बट लगभग हेल्थ जो है ना पूरे का पूरे खत्म हो गया था एंड हम लोगों ने तोड़ा एंड अपने साथ हो गया यहाँ पे स्कैम। वो टूटते ही साथ ना एक वॉल बन गया यहाँ पे। अब तो इसको डैमेज वगैरह नहीं आ रहा है। हमने कहा लो भाई पूरे का पूरा आधा घंटा वेस्ट हो गया यहाँ पे। आई हेट दिस, ये बहुत गलत चीज है। बट कोई नहीं, उसके बाद मैंने डिसाइड करा चलो यार यहाँ पे से हम लोग जा रहे हैं, एक बार ब्लू रूम चेकआउट करता हूँ। तो मैं जैसे ब्लू रूम चेकआउट करने गया ना तो यार अपना यहाँ पे सारा का सारा दुख गायब हो गया। वो कैसे? क्योंकि यहाँ पे अपने को मिल चुका था पर्पल कार्ड। पर क्या चाहिए यार, पर्पल कार्ड मिल गया था और वो लूट नहीं चाहिए। तो ठीक है, हम लोगों ने पर्पल कार्ड उठाया, वो तो मैंने फटाक से डाल लिया था अपने सेफ में। एंड अभी हम लोग निकलते हैं अपने बेस में। सबसे पहले जो है ना मैं बनाऊंगा अपने के गाड़ी, क्योंकि मुझे जानवर ढूंढने एंड इस मैप में यार इतने जल्दी मिलते नहीं है। तो मैंने यहाँ पे फटाक से जो है ना अपने के लिए गाड़ी क्राफ्टिंग में लगाया। एंड अब वेट करते हैं हम लोग थोड़ा सा देर, जब तक अपना गाड़ी वगैरह बनता है। गाड़ी बन जाएगा, गाड़ी प्लेस करके फिर हम लोग जो है ना जानवर वगैरह पकड़ने के लिए निकलेंगे। अपने को दो घोड़े पकड़ने हैं माउंट वाले, दो हिरन पकड़ने सिग्नेचर स्किल वाले जिसमें होगी हार्ट वार्मिंग। ठीक है, तो अभी मेरा गाड़ी बन चुका है, मैंने प्लेस किया। एंड अपडेट के बाद से मैंने गाड़ी नहीं चलाया। एंड कुछ भाई लोग बोल रहे थे कि भाई अपडेट के बाद जो है ना गाड़ी में बहुत गंदा ग्लिच है। हाँ भाई बहुत गंदा ग्लिच है। उसके बाद मैं घोड़े पकड़ने लगा था यहाँ पे, भाई लिटरली बता रहा हूँ, मैंने इतने सारे घोड़े पकड़े, इतने सारे हिरण पकड़े, बट 10 से 15 घोड़े पकड़ने के बाद ही जो है ना, बीच बीच में भी मिले थे मेरे को 15 घोड़े पकड़े, उनमें से दो घोड़े जो है ना निकले माउंट वाले एंड हिरण इतने सारे पकड़े बट उनमें से एक निकला। फिर मैंने जो है ना एक अपना पेट शॉप में जो मिलता है जीरो टिकट का वो क्लेम किया एक, एंड वो उससे भी जो है ना अपने को हार्ड वार्मिंग स्किल वाला मिल गया था। फिर उसके बाद हमें एक बेस दिखा जहाँ पे जो है ना चार फर्नेस जो है ना दबा के जल रहा था। सो हम लोगों ने डिसाइड करा चलो यार उसको रेड मारते हैं फर्नेस। लक है यार, क्या पता बंदों ने लॉक नहीं लगाया होगा तो अपने को फार्म मिल सकता है, क्योंकि लार्ज फर्नेस जल रहे हैं उसके अंदर। सो कम से कम 30 ऑयल ड्रम्स चाहिए, 6 वॉल तोड़नी है, 50-50 रिस्क है, लॉक होगा अपने को कुछ नहीं मिलेगा। अगर लॉक नहीं हुआ तो भाई अपने बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तो अपने टीममेट ने बोला भाई बता क्या करना है। मैंने कहा भाई अपने को सर्वर खेलना ही नहीं पूरा तो क्या करना है, बम कर चलो लेके चलते हैं भचकाते हैं। तो फिर क्या था यार, मैंने यहाँ पे बम बनाए, अपना गाड़ी जो है ना हम लोगों ने यहाँ पे सेव किया। अब भाई हमारा प्लान है, हम लोग जाएंगे यहाँ पे से सीधा बाइक में एंड उधर ही की साइड। तो बाइक में बैठते हैं और चलते हैं सीधा उधर के साइड एंड उस बेस को रेड मारने के लिए। तो बम बन रहा है, वो मैंने सेफ में डाला हुआ है, गाड़ी में फ्यूल नहीं है। मैंने अपने टीममेट को बोला भाई फ्यूल डाल दे, मैं फ्यूल वगैरह नहीं लेके आया, गाड़ी में फ्यूल था। तो अपने टीममेट ने फ्यूल डाला एंड हम लोग यहाँ पे से गए ईजी चेक करते हुए, ईजी आया नहीं था। एंड फाइनली यार हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यही है वो बेस जिसमें ओनली लार्ज फर्नेस जल रहे हैं। देखो आपको दिखाता हूँ, ये रहे फर्नेस, इधर के साइड भी फर्नेस, इधर के साइड भी फर्नेस और यहाँ पे भी फर्नेस। तो लगभग 6 सेक्शन है जहाँ पे ओनली फर्नेस रखे हुए हैं। तो अभी अपने को रिस्क 50-50 एंड ये ना वो ही रेजिडेंस का बंदा है जो अपने को वहाँ पे मारे थे, जो अपना इजी चोर के ले गए थे एआर से। तो इनका देखो एआर वगैरह सब निकाला है अपने, शॉटगन से क्या ही मारा ना भाई, याद रखेंगे अपने को। तो चलो यार यहाँ पे, ओ भाई लॉक नहीं है फर्नेस में। चलो 2000 सल्फर तो मेरे को यहाँ पे मिला एंड इस फर्नेस में लॉक रखा हुआ है, दूसरे फर्नेस में लॉक नहीं है। एंड यहाँ पे जो है ना इस फर्नेस में चारकोल था, ओके चारकोल अपने को ठीक ठाक मिल चुका था, अच्छी अमाउंट में चारकोल मिला। सल्फर भी इतना ठीक नहीं था, 4-5 हज़ार सल्फर मिला बट कोई टेंशन नहीं। अभी ये वॉल बचा हुआ है बट एकदम सेंटर में लगाऊंगा कि दो वॉल टूटे। तो ठीक है लगाए यहाँ पे, ओके फर्नेस यहाँ पे का भी चल रहा है, एक लार्ज फर्नेस एक स्मॉल फर्नेस। चलो चलते हैं एंड देखते हैं इससे अपने को क्या मिलेगा। चारकोल 4000 के करीब में मेरे को इस वाली फर्नेस से चारकोल मिला एंड अपने टीममेट को उधर से ना 3000 के करीब में सल्फर मिला था। तो अपने टीममेट ने सारा का सारा लूट लिया है और अभी एक सेक्शन बचा हुआ है, यहाँ पे भी एक लार्ज फर्नेस एंड एक स्मॉल फर्नेस है। तो मैं अपने टीममेट से बोलने लगा भाई ये करना है तोड़ना है इसको। तो अपना टीममेट बोला हाँ भाई तोड़ दे, सोच क्या रहा है, बम हमने अपने साथ बचा के घर थोड़ी ना लेके जाने, वो बात भी सही है। तो फिर क्या था यार, मैंने यहाँ पे फटाफट से लगा लिया ऑयल ड्रम्स एंड बूम बम टूट गया। तो यार आपको तो एक चीज बतानी है, ये बंदा जो है ना रशियन बंदा
सो जब ये अपने को मारा था तो काफ़ी हंस रहा था, ठीक है। बट मैं उसका कोऑर्डिनेट पूछने लगा था, मैंने कहा भाई कोऑर्डिनेट दिखा दे, ये भी 7-8 बंदे हैं, तो कोऑर्डिनेट ये बताता जहाँ पे ट्राई लाइसेंस नहीं है उसके बगल में एक आइलैंड है उधर। बट तब मेरी खटक गई थी यार, बंदों ने AR से मारा, हमें फार्मास में था तो मैं AR वगैरह ढूंढने के लिए मिलिट्री आइलैंड की तरफ गया। सो मेरे को वहाँ पे उनका बेस दिख गया, फिर क्या था यार उनकी कैसी फिटनेस बिठाई ना, तो आपको पता चल जाएगा। ये उनका बेस था, दूसरा वाला हम लोगों ने रेड इसलिए नहीं मारा क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था इसके बेस में कुछ मिलेगा, मतलब उन्होंने यार इस बेस में भी नहीं रखा हुआ है एंड उधर वाले बेस में भी कुछ नहीं है। इनका तीसरी जगह में कहीं पे बेस है, क्योंकि पहले जब था ना मैं अगले दिन जब आया था, जब हम लोगों ने रात को इनको कैंप किया था, उसके बाद इन्होंने दूसरे दिन में जो है ना अपना कैबिनेट फोड़ दिया था। कैबिनेट फोड़ा तो वहाँ पे खूब सारा कंपोनेंट्स फॉर्म वगैरह गिरा था। सो अभी हम लोग दोबारा से यहाँ पे पहुँचे एंड यहाँ पे हम लोगों का प्लान था इसको रेड मारेंगे, क्योंकि अपने पास थोड़े से बॉम्ब्स वगैरह बने हुए हैं, फर्नेस चल रहा है, तो मेरे पास 10-20 के करीब ऑयल ड्रम्स था, तो मैंने यहाँ पे फटाक से जो है ना 10 ऑयल ड्रम्स लगाए। मैं अपने टीममेट से बोला था लगा दो, तो अपने टीममेट ने बोला लगा दे, तो फिर क्या था यार मैंने भी फटाक से यहाँ पे लगा दिए। अभी वेट करते हैं, देखते हैं फर्नेस से अपने को क्या मिलता है। दोनों फर्नेस फूटे यार, मैं इसको खोल के चेकआउट कर रहा हूँ, अपना टीममेट ने उठा लिया 4-5 हज़ार, अपने टीममेट को सल्फर मिला, उन्होंने बता दिया था मेरे को, अरे अपना टीममेट ग्लिच हो गया भाई, मुझे ऊपर चढ़ना है, ऐसे करता हूँ ना इधर से चढ़ता हूँ, जंप मारता हूँ नहीं चढ़ेगा, घूम के आना पड़ेगा, यहाँ पे से चढ़ तो जाऊँगा। चढ़िया, चलो कोई नहीं गाइस, अपना टीममेट निकल चुका है, तो अभी अपन लोग इसका फर्नेस तोड़ देते हैं। सो यहाँ पे से जो है ना, हमें पता नहीं था यार इन्होंने यहाँ पे से माल ट्रांसफ़र कर लिया, क्योंकि मैं पहली बार देख रहा हूँ रैंक में कि कोई बंदे जो है ना उनकी कुटाई करने के बाद इन्होंने अपना लूट ही ट्रांसफ़र कर लिया। यहाँ पे एक वुडन का डोर था वो हम लोगों ने तोड़ा, उसके बाद एक और डोर है आयरन का। तो यार एक चीज बताओ, आपको लगता है यार ये बेस जो है ना किसी न्यू बंदे का होगा? एक्चुअली में गाइस अभी पता नहीं क्या सीन है यार, सिविलाइजेशन मैप देख के ही ना कुत्ते खड़े हो जाते हैं भाई, 40-50 बंदों की वेटिंग चलती रहती है, एंड ये रहा देखो वो बंदा पीछे से आ रहा था मारने के लिए, हम लोगों ने भी क्या ही गजब तरीके से उसको मारा भाई, तोते खड़े हो जाते हैं वो सिविलाइजेशन मैप देख के, 40-50 बंदों की वेटिंग, एंड वो मैं क्यों नहीं खेल रहा हूँ यार, लूट ही नहीं मिलती उधर भाई। मैं 3-4 घंटे नॉर्मली खेलता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं खेलता यार, एंड 3-4 घंटे खेलता हूँ एंड सिविलाइजेशन खेलता हूँ, 3-4 घंटे में यार रूम ही नहीं मिलते, पूरा सर्वर घूम जाऊँ फिर भी रूम नहीं मिलते, तो मैंने कहा चलो आप डाउन आइसलैंड चेकआउट करते हैं, बट मज़ा आता है यार। ओके यहाँ पे हम लोगों ने एक वॉल तोड़ी, इसका कैबिनेट यहाँ पे है, तो मैंने अपने टीममेट से बोला भाई लगा दे, अपने टीममेट ने फटाक से जो है ना वहाँ पे बम लगाए, और अभी अपन लोगों को वेट करना है इसका लूट का। तो टूटा, बंदा था यहाँ पे, हाँ बंदा था, तो अपना टीममेट बोला भाई ये कैबिनेट तो इसका रेड हो गया है, नो मेंटेनेंस दिखा रहा है, मैंने कहा ऐसे कैसे सही में, तो बाद में हमें पता चला यार बंदे जो है ना अपना सामान लेके फूर हो गए। अरे भाई गलत सीन हो गया, ये डोर का भी ना हेल्थ एकदम से टूटा हुआ है, एक ऑयल टर्म्स में टूट जाएगा स्टील का डोर, तो मैंने डिसाइड करा कि मैं फटाफट से बेच जाता हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने स्टील का डोर तोड़ा, यहाँ पे उनके बॉक्सेस रखे हुए हैं, एंड अभी जो है ना हम लोग यहाँ पे इसके बैग्स वगैरह तोड़ देंगे, कि अगर ये रिपेयर करेगा तो इसको ज़्यादा सामान लगेगा। मेरे को कुछ गड़बड़ तो लग रहा था यहाँ पे, क्योंकि जब हम लोग इसका बेस रेड मारे ना यहाँ पे तो बंदे आ नहीं रहे थे, तो मैं अपना टीममेट से बोला भी था यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बंदों ने जो है ना अपना लूट वगैरह ट्रांसफ़र कर लिया है यहाँ पे से। यहाँ पे हमें थोड़ा डाउट होने लगा, फिर भी क्या था, तो मैं गया अपने फटाफट से बेस, लाया ऑयल ड्रम्स, इसके कुछ बॉक्सेस यहाँ पे रखे हुए थे, मैंने देखा ओके दिख रहे हैं 3 बॉक्सेस हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग 10 ऑयल ड्रम्स लगाते हैं और जल्दी से जो है ना इसको उड़ाते हैं। तो ओके गाइस 10 ऑयल ड्रम्स लगाए, तीन बॉक्सेस हैं,
बस अभी अपने को ना इसका कैबिनेट फोड़ना है, क्योंकि इस वाले सेक्शन में इसका कोई भी बॉक्सेस नहीं है, क्योंकि अपना टीममेट ना इसके बेस के अंदर घुसा था। इसके अपन के टीममेट ने 10 हैंडमेड, 5 C4 एंड कुछ ऑयरम्स बर्बाद किए थे रात के 2 बजे, मतलब हम लोग इनको कैंप वगैरह कर रहे थे ना उस टाइम पे। तो अभी मैंने कहा अब कोई चांस है नहीं यहाँ पे, इसका TC फोड़ते हैं। तो हम लोग आए यहाँ पे फटाक से, हम लोगों ने डिसाइड करा चलो भाई TC फोड़ो इनका। तो मैं यहाँ पे गोलियाँ से इसका TC वगैरह फोड़ने लगा हूँ, एंड लिटरली गाइस यहाँ पे अपने को मिला, बताऊँ क्या बाबा जी को ठुलू, मैंने कहा गजब ही सीन है यार। इधर तो ओनली चड्डी बनियान गिर रहे हैं भाई इनके। तो मैंने कहा चलो यार पीछे वाले बॉक्सेस में चल के देख के आता हूँ उधर कौन से बनियान गिर रहे हैं इनके। तो हम लोग उधर गए, उधर तो उनके चड्डी बनियान भी नहीं थे। ओ मैंने कहा ओ भाई हो गया नुकसान, बट कोई नहीं, मतलब अपने को ना जो अपनी छिलता है ना उसकी छिलने में मजा आता है। बट एक चीज़ तो है गाइस, कुछ भी बोलो, पहले मैं डिस्कॉर्ड्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता था, बट जब से मेरे को पता चला यार इस गेम की ऑडियंस जो है ना पुराने बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हैं, तब से यार मैंने ना डिस्कॉर्ड वगैरह अपना डिस्कॉर्ड सर्वर्स भी डिलीट मारे, एंड जितने मेरे थे डिस्कॉर्ड सर्वर्स सबसे लीव हुआ, बस मैं अपना खेलता एंड उसके बाद जाता। एंड अभी गाइज हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं अपने बेस में उनका बेस रेड मारने के बाद, एंड अभी अपने को बनाना है वो जो दूसरा हिरण है ना बड़ा वाला, वो कैसे बनाना है। एंड अभी देखो मेरे पास 2 हिरण है, 2 होर्स हैं, मैंने नाम रखा हुआ है Horse 1, Horse 2, Eek 1, Eek 2। तो अभी अपने को क्या करना है, Eek 1 जो है ना वो रखना है एकदम सेंटर में, क्योंकि अपने को Eek चाहिए ना, तो इसको हम लोग रखेंगे सेंटर में। Eek 1 को मैंने यहाँ पे रखा, एंड उधर के साइड Horse 1 माउंट वाले हैं, होर्स नॉर्मल वाले मत लाना। अभी इसमें लगेंगे जीन सिंथेसिस करना है अपने को, तो 5 अपने को वो लगेगा, तो करते हैं। तो मैं यहाँ पे पूछ रहा था ना अपने टीममेट से, क्योंकि मुझे नहीं पता, कॉल में था, मैंने कहा अगर ओके कर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके गाइस यहाँ पे अपने को ना हॉर्स टेल जीन्स मिला है, अभी मेरे को हॉर्स हेड जीन्स चाहिए। अभी दूसरा वाले में चेक करते हैं, Eek 2 ओके, हॉर्स 2 कर दें, चलो कर देते हैं। तो अभी गाइस अपने को मिल चुका है, एंड अभी अपने को क्या करना है, जो Eek 1 एंड Eek 2 है ना उनका एवोल्यूशन सिंथेसिस करेंगे, उसके बाद अपने को जो है ना मिलेगा क्या, वही बड़ा वाला Eek। बट यार काफी ज्यादा भाई लोग बोल रहे थे कि भाई हॉर्स, एक्चुअली में यार हॉर्स बनता है पैसों में, टिकट में, तो यार जो चीज़ टिकट में बनती है वो तो चाहिए नहीं। और हाँ यार यहाँ पे जो है ना ये बोल रहे थे ऐड बूस्टर, अगर बूस्टर ऐड नहीं करोगे ना यार वो मिलता नहीं है, बट आपको रिकमेंड करूंगा कि मैं आप लोग जो है ना बूस्टर खरीद लीजिए, वो बूस्टर खरीद दोगे ना जब आप लोग बूस्टर यूज़ करोगे तो 101% जो है ना एवोल्यूशन होगा। अगर बूस्टर यूज़ नहीं किया यार नुकसान हो जाएगा आपका, पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है गाइस, अपने को बूस्टर जो है ना 3000 गोल्ड कॉइन में मिलेगा या फिर 20 ट्रेड टिकट में। अगर ट्रेड टिकट नहीं पता, आप लोग ऑपरेशन बेस खेलो, वहाँ से आपको एक दिन में 20 ट्रेड टिकट मिल जाएगा, इन फ्री में बन जाएगा, ये कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने बूस्टर लगाया, एंड फाइनली गाइस अपने को अब मिलेगा क्या, ये मिल गया बाऊ मिल गया। तो चलो अभी मैं थोड़ा सा फूड वगैरह बाय करता हूँ, फूड वगैरह तो है नहीं मेरे पास, तो गोल्ड कॉइन से बाय कर लेता हूँ। वैसे भी यार इसके 200 घंटे होने वाले हैं, 4-5 सर्वर खेल लिया अपन लोगों ने इस आईडी से, इसको बुलाते हैं। पहले मैं फूड बाय करता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ बेरीज बारबेक्यूज हैं, नहीं बारबेक्यूज वगैरह तो है नहीं, ओनली मशरूम्स हैं, उससे तो काम चलेगा नहीं। अपन लोग ना एडवांस पेट फूड बाय करते हैं, 8 बाय कर लिए हैं मैंने, ठीक है। तो चलो यार फटाफट से जो है ना मैं यहाँ पे ये बनाता हूँ, आए रे आ जा, ओ रे आ गया आ गया आ गया आ गया गधा, इलेक्ट्रिक जायंट हॉर्न, इसको ये खिला के देखता हूँ, नहीं बढ़ रहा है, यही देना पड़ेगा एडवांस पेट फूड, लेट्स गो, यप हो गया, एडवांस करते हैं। तो जी हाँ गाइज अब मैंने इसको एडवांस कर लिया, अब मैं इसको यहाँ पे राइड वगैरह कर सकता हूँ। वैसे इसका फूड लेवल जो है ना 250 का है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो चलो गाइज
आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं फिर हम आपसे डाउन आइसलैंड के एक काफी गजब के एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर योर लवली सपोर्ट। एंड बस कुछ नहीं, एंड बाय बाय।